तो फाइनली गाइस मैंने परचेज़ कर लिया है बोया बाय एमन का माइक, जो कि मैंने यूट्यूब के मैंने से परचेज़ किया है इसे। और गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि ये माइक मुझे कितने का पड़ा, कितने मैंने इसको कैसे लिया। और जो माइक है गाइस, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं तो माइक कई बार आप लोग को डुप्लीकेट मिल जाता है, तो आप उसको पहचान कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो आप देख सकते हैं गैस इस तरीके से जो बोया बाय एमन का माइक होता है, कुछ इस तरीके से उसका पैकेजिंग होता है। आपको मैं साइड बाय साइड सारी तरफ से दिखा देता हूँ। अगर आप लोग माइक लेते हैं तो इस तरह से देख लीजिएगा, आप लोग को इस तरीके से देखने को मिलेगा। इधर से भी कुछ नहीं लिखा हुआ, बोया बाय एमन लिखा हुआ है। चलिए गैस मैं इसको अभी खोल के दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर आप लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले एक पाउच आता है, इसके अंदर कुछ सामान है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। इसमें भी देख लेते हैं आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलता है आप लोग को देखने का, ये देख सकते हैं। इधर से इंग्लिश से लिखा हुआ है और इधर चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक आप लोग को पेपर मिलता है जो इसको सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। इसमें भी गाइस अगर आप लोग डुप्लीकेट माइक कभी कभी आता है तो आप लोग को ये भी अलग तरीके से देखने को मिलता है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि यहाँ पे देख सकते हैं 14 पेज का जो होता है ओरिजिनल वाला, उसमें 14 पेज होता है, ठीक है। और जो कभी कभी डुप्लीकेट वाला में ऐसा होता है कि उसमें 10 पेज या कुछ अलग तरीके से होता है, तो आप लोग इस चीज़ को भी देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल लगेगा कि आप लोग का माइक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। और यहाँ पे एक इसमें मिल रहा है, इसमें काफ़ी सामान है, इसको भी ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं। इसको कैसे कैसे अटैच करना है अभी आप लोग को बताएंगे। सबको साइड में रखते हैं, सकते हैं इसमें बैटरी रखा हुआ है तरीके से। बैटरी का तो उतना कुछ खास यूज़ होता नहीं है, क्योंकि फ़ोन के साथ अगर आप बनाते हैं वीडियो तो आप लोग को बैटरी का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। माइक को DSLR में कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके मदद से आप लोग आसानी से वो कर सकते हैं। तो इसको भी साइड में रखते हैं, इसको भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कि मिलता है फोम रुई का, जिससे गाइज नॉइज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। चलिए गाइज इसको जल्दी से फिट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं इसे निकाल करके, और फिट करके आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग को फिट करना है। तो आप देख सकते हैं गाइज ये पाउच भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बोया लिखा हुआ है और इस बोया का लोगो ये अंदर से इस तरीके से दिखता है। इसको भी साइड में रखते हैं और जल्दी से मैं आप लोग को अटैच करके दिखाता हूँ, इसमें माइक को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो क्या ये जो फोम होता है उसको इसमें लगाना होता है, तो आप लोग इसको इसमें लगा लीजिएगा इस तरीके से। इसको लगा के उसके बाद आप लोग को ये जो कॉलर में लगता है इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो आप लोग को दिख रहा है इसमें इसमें इसको अटैच करना होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर आसानी से अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद ये गैस आपका माइक जो है तो बन चुका है। और यहाँ पे आप चाहें तो अपना बैटरी को भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो मैं आप लोग को इंसर्ट करके दिखा देता हूँ बैटरी को। इस तरीके से यहाँ पे बैटरी जो फिट हो जाता है, उसके बाद इसको आप लोग को लगा देना है इसका लीड को। इसको लगाने के बाद आप ये माइक जो है तो कम्प्लीट हो चुका है, आप इससे आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक स्मार्टफोन और एक कैमरा। तो ये स्विच जो है गाइस कई बार ऐसा होता है कि पहले से कैमरा में किया हुआ होता है और आप लोग इसको माइक को लगाते हैं अपने फ़ोन में, रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड नहीं होता है। तो आप लोग को ध्यान देना है गाइस कि इसको ऑन कर लेना है अपने तरीके से, और यहाँ पे स्मार्टफोन पे इसको स्विच कर देना है, तभी ये गाइस आप लोग का जो वॉइस होता है उसको रिकॉर्ड करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल का एक पहचान होता है गाइस कि यहाँ पे इसका लोगो दिया हुआ रहता है इस पर। तो आप लोग को ये भी देख लेना है कि ओरिजिनल वाले माइक में ये लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा इसके ठीक ऊपर। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा गाइस, तो आप लोग को पता लगेगा कि आप लोग का माइक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो चलिए गाइस अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इसका वॉइस क्वालिटी कैसा, आप लोग इससे वॉइस किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं अभी जो आवाज़ सुन रहे हो मेरे बाय एमन माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और आप लोग सुन सकते हैं आवाज़ की किस तरीके से आप लोग को आवाज़ सुनने को मिल रहा है इस माइक से। तो गाइस अभी मैं आप लोग को निकाल के दिखाता हूँ कि इसका है बिना माइक के। तो मैंने अभी इसको निकाल दिया और आप सुन सकते हैं आवाज़ की किस तरीके से फ़ोन से जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो रहा है, और बोया बाय एमन माइक को इंसर्ट करने के बाद तरीके से आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग लाइव देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि किस तरीके से आप लोग को इसका माइक का जो क्वालिटी है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा आप लोग का वॉइस में इम्प्रूवमेंट हो जाता है इस माइक को लगाने के बाद। तो गाइज अभी मैंने आप लोग को वॉइस सुनाया और आप लोग उसने सुना कि वॉइस किस तरीके से बोया बाय एमन के माइक से आता है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बोया बाय एमन का माइक का यूज़ करके आप लोग अपने वॉइस में कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और गाइज मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था कि आप किस तरीके से अपने माइक का पहचान कर सकते हो कि आपका बोया बाय एमन का जो माइक है ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो आप लोग को दो चीज़ें यहाँ पर आप लोग को देखना होगा गाइज। पहला कि आप लोग के अगर ऑर्डर करते हैं तो आप लोग के साथ एक सर्टिफिकेट टाइप का इस टाइप से दिखेगा, ये आप लोग को मिल जाता है बॉक्स के अंदर, और डुप्लीकेट में ये वाला आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा गाइज अगर आप लोग यहाँ पे आप लोग को दिखेगा ये वाला जो लोगो दिख रहा है यहाँ पे,
इसको इसके ऊपर अगर आप लोग यहाँ से साइड कॉर्नर से इसको अगर उखाड़ते हैं तो आप लोग को इस तरीके से उखड़ जाता है। और यहाँ पे आप लोग को, मैं आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग को एक बारकोड मिलता है। इसको अगर आप स्कैन करते हैं बोया का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है उस पर जाकर के अगर आप लोग स्कैन करते हैं तो वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका माइक ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो आप लोग को इस चीज़ को जरूर से देख लीजिएगा अगर आप माइक को परचेज करते हैं। अगर आपका माइक डुप्लीकेट होता तो आप लोग उसको रिटर्न कर लीजिएगा, फिर रिफंड कर लीजिएगा। तो गाइस आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।